लाहौर के करीब तीन बेहतरीन रहायशी मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। पॉश डेवलपर्स की जानिब से पॉश हाउसिंग सोसाइटी की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनकार किया गया, जिसमें सरमायादारों और रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मरूफ गुलकार आरफ लोहार ने परफॉर्मेंस पेश की। मेहमानों ने तकरीब के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि आप इलेक्ट्रिफाइंग एटमॉस्फेयर में जो खूबसूरत तकरीब हो रही है, इसके पीछे हमारे बहुत सारे प्यारे दोस्तों का खूबसूरत काम है, खूबसूरत काफिश है, खूबसूरत कोशिश है। और मैं इस खूबसूरत फंक्शन को अरेंज करने के ऊपर हमारे तमाम जो प्यारे दोस्त हैं जरा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान से आई हुई डीलर कम्युनिटी को अपनी तरफ से और अपने डायरेक्टर्स की तरफ से, पॉश हाउसिंग की तरफ से, अपने दिल की अथाह गहराइयों से तमाम दोस्तों को, पूरे के पूरे मेहमानों को हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डेवलपर्स, तमाम बिल्डर्स और तमाम डीलर्स हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारा हिस्सा है, हम उनका हिस्सा हैं, मिल के काम करते हैं। हमने जॉइंट वेंचर किया और इसमें इन्होंने एक बात मुझे कही कि हमने फाइल नहीं बेचनी, हमने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स बेचने हैं। ताकि फाइल तो बहुत सारी स्कीमें बेच रहे हैं, लेकिन हमने प्लॉट बेचने हैं। तो मैंने कहा जी भट्टी साहब, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है सेल्स के हवाले से। जो आप कहते हैं मैं आपके साथ हूं, आप आगे लगे, हम आपके साथ चलते हैं। तो उस दिन ही हमने ये फैसला किया था कि पहले हम ज़मीन लेंगे, अप्रूवल होगी, उसके बाद ऑन ग्राउंड जो है डेवलपमेंट की जाएगी। तो और आज अल्लाह पाक ने वो वक्त हमें दिखा दिया है कि हम आज ऑन ग्राउंड प्लॉट्स बेचने की पोजीशन में हैं। तो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ मेरे साथ जो पुराने मेरे दोस्त थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर। तकरीब के आखिर में मुल्क सलामती और कारोबार की तरक्की के लिए दुआ कराई गई। मेरे मौला, इस प्यारे प्यारे मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमा। इस मुल्क को नजर बस से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। मेरे मौला, शरारतियों की शरारतों से महफूज फरमा। दुनिया आलम के अंदर मेरे मौला इसको उरूज और तरक्की नसीब फरमा।
और हमारे राहमीन अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की खैर फरमा दे। जो कुछ मांग चुके वो भी नसीब फरमा, और जो मांगने से रह गया हमारे हक में बेहतर है वो भी नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। पोश हाउसिंग सोसाइटी की तकरीब में शरीक मेहमानों ने पंजाब मीडिया टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1000 रुपया किस्त है महीने की, 8,92,505 मरला की एडवांस किस्त है, और ये 2.5 साल का प्लान है, लेकिन पोजेशन हम 6 महीने में दे रहे हैं। जो अभी 50% देगा उसको आज ही हम पोजेशन देने के लिए हमारे पास प्लॉट रेडी हैं। वो अपनी डेवलपिंग कर सकते हैं उस पे अपना जी जी बिल्कुल उसका ये चूँकि हमारे पास LDA से प्रूव है, हमारी स्कीम जो है मंजूर शुदा है, इसलिए वो जब चाहे वो वहाँ पर नहीं, हम प्लॉट अभी ऑफर कर रहे हैं, घरों का जो है हम उसके अलावा एक इसके साथ ला रहे हैं, तकरीबन 200 घर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ये रमज़ान के बाद, तो फिर हम घर भी ऑफर करेंगे, 200 घर इंशाल्लाह 200 से शुरू करेंगे। पर सर बताइए कि इस इलाके में सुई गैस या पानी की जी कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है, सुई गैस भी है यहाँ पे, और सबसे बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि एक रेडी वाला भी वैगन पे आके उतरेगा तो वो पैदल इस हाउसिंग स्कीम में आ जाएगा। ये जंगल में नहीं है, ये शहर के बिल्कुल साथ है, और ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, मंडी है, मार्केटें हैं, तो इस हवाले से स्कूल हैं, फिर मदरसे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इस एरिया की सबसे बेहतरीन, इसीलिए हमने इसका पॉश हाउसिंग रखा है, ये पॉश स्कीम है। सर लास्ट में ये नाज़रीन देखने को बताइएगा कि कोई ये कुल कितने रकबे पे ये बनी है? ये अभी हमारे पास तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन मौजूद है, डेवलप करके हमने अभी 100 एकड़ हम डेवलप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फेज में दूसरा 100 एकड़ जो है वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू करेंगे, और उसको भी उस वक्त हम ऑफ़र करेंगे बेचने के लिए जब हम उसको रेडी कर लेंगे। और सर यहाँ मार्केट भी बनेगी और पार्क वगैरह भी बनेगी? जी पार्क हैं, जितनी बाई लॉज के मुताबिक है, चूँकि ये LDA से प्रूव है इसलिए बाई लॉज से हम बाहर नहीं जा सकते, इसमें मस्जिद है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, पार्क है, कब्रस्तान है। कैमरामैन आतिफ हरून के साथ अरशद अली भट्टी, चीफ रिपोर्टर पंजाब मीडिया टीवी लाहौर।